क्यों पहने? मेरी जो हरे घास की रोटी कविता है, वायु से प्रेर है कि मैं उस मूड में, उसको घास फूल किस मूड में गाता हूं शिखर में। क्या कविता है? पिता पुत्र, यहां तीन लोग बैठे, पिता पुत्र और मैं एज ए मेंटर। महाराणा प्रताप को हम सब जानते हैं, एक वो राजा जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। क्यों दोस्तों? कहना बहुत आसान है, महलों को छोड़ के जंगल में जाके मक्खन पे सोने वाला आदमी, घास फूस पे सोए, सोने चम्मच के खाने वाले थाली का आदमी, पर खाना भी ना मिले, बदले में कितना कहना है कि हम आपकी शरण में बचता कहना था केवल। लेकिन जब उनका बेटा, जब उनके बेटे को रोटी नहीं मिलती है और बेटा रोता है, तो राणा जैसा व्यक्ति अकबर को लिख देता कि बेटे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर पीथर जी नाम के व्यक्ति हैं जो मेरी तरह एज ए मेंटर का काम करते हैं। और पीथर जी ना होते तो राणा महाराणा नहीं होते, ये महाराणा पर ऑडिटोरियम नहीं होता। मैं कहता हूं कि मेरा राणा हार के भी हर चौराहे पे घोड़े पे बैठा मिल जाता है, अकबर जीत के मेरे देश में कहीं नहीं है। इसलिए राणा राणा था, पर राणा से महाराणा कैसे बने? दोस्तों, चित्तौड़ के राजा थे, अकबर का सब जगह अपना वर्चस्व हो रहा था, केवल महाराणा को, राणा को, प्रताप को यह कहना था कि भाई ठीक है, मुझे गुलामी स्वीकार है तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अकबर, राणा ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, परिवार के साथ महाराणा प्रताप जंगल में जाते हैं। पिता पुत्र, पिता कैसे टूटता है और कोई तीसरा व्यक्ति मिल जाए तो कैसे उसको जोड़ता वो तीसरा व्यक्ति प्रताप के साथ? एक राजा जंगल में है, बेटे के लिए घास फूस की रोटी बनाता है, पर वो रोटी भी जब खाने लगता तो एक जंगल का बिलाव मुंह से छीन लेता है और अमर सिंह नाम का बेटा रोता है। तो बेटा रोता है तो पिता क्या करता है कि हरे घास री रोटी ही जदे बन पिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घास री रोटी ही, हरे घास की रोटी, वो भी मन का बिलाव लेके भागता है तो टूटता पिता कि हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घास री रोटी ही, क्या कहता है राणा अपने आप से? हूं लड़ो घणो, पहले का थोड़ी मारवाड़ी का कुट रहेगा, आप समझ कोशिश करना कि हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में पैरारो खून बहावण ने, जब आज बिलख तो देखूं। दोस्तों, मैं लड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी। दोस्तों, जब आप दुखी होते हैं तो पिता भी कहता होगा मैं परिश्रम खूब किया है, मैं इस परिवार को पालने के लिए, एक डायलॉग है मेरा, बॉसों के पिता टिफिन का ठंडा खाना इसलिए खाते हैं ताकि उनका परिवार गर्म खाना खा सके। एक बात सुन लेना रे, एक बार अपने पिता को देख लेना कि सुबह शाम तक व्यक्ति कितना काम करता है, वो चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो। और दोस्तों, कड़वी बात है, माफी चाहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों पिता प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मां परेशान है, आपकी बहन परेशान है, आप परेशान है, तो आप भी पिता की तरह, माफी चाहता हूं, ऐसे पिता हो सकते, बड़ी बात नहीं है, आप भी काम नहीं करोगे तो आपकी मां बुढ़ापे तक रोएगी। उस महिला को एक उम्मीद हो सकती है आपसे, हो सकता है आपके पिता प्रॉपर कुछ नहीं कर पाए होंगे, जो भी सरकमस्टेंस नहीं होंगी, बट आप उस महिला का, उस मां का सहारा बने कि 10-5 साल रुक जा फिर मैं हूं ना, फिर वो कह सकते मैं हूं ना मां। तो हूं लहड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में पैरारो खून बहावण ने, जद याद करूं हड़दी घाटी, जद याद करूं हड़दी घाटी नैणा में रक्त उतर आवे, जद याद करूं हड़दी घाटी नैणा में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। हो सकता है तुम्हें से कुछ के पिता कहीं छोटी सी नौकरी कर रहे होंगे,
हो सकता है पिता दोस्तों के श्रीनगर सियाचिन में फौज की नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता किसी पिता जैसलमेर बाड़मेर घर से बहुत दूर किसी सुदूर गांव में कहीं एक छोटी नौकरी कर रहे होंगे, और वहां तक वो तुम्हें टूटा हुआ देखते हैं तो उनको याद आता मैंने किया किस लिए, ये मिला क्या मेरे किससे, हूं लड़ो घड़ो हूं सयो घड़ो में वाड़ी मान बचावण ने मैं पास नहीं राखी रण में बैरा रो खून बहावण ने जब याद करूं हड़दी घाटी नैणा में रक्त उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी भूख जगा जावे। दोस्तों चेतक घोड़ा होके भी वफादारी में आज भी जिंदा है, कभी आप जाना मेरे कहने से, आप हल्दी घाटी देख क्या, हल्दी घाटी वो खाई आज भी है जिस खाई के ऊपर से चेतक कूदा था, जिसके बाद उसका पांव टूटा था, उसके वहां चेतक की ऊपर बात में छतरी छतरी मतलब स्मारक बना हुआ है। वो पशु होके भी पशुओं की जिंदा था, जब तक माफी चाहता हूं हम ना थे तब भी राणा चेतक थे, आज हम धरती पे हैं तब भी चेतक राणा है, हम कुछ सालों बाद यहां से चले जाएंगे फिर भी राणा और चेतक तो रहेंगे, जिंदगी ही होती है। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण ने जब याद करूं हरदी घाटी नैणा में रक्त उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी भूख जगा जावे। पढ़ आज पिलख तो अपूता दी पढ़ आज पिलख तो देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने पण आज पिलख तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी ने फूलों क्षत्र धर्म ने फूलों हिंदवाणी चोटी ने। वो कहता सब कुछ भूल जाता हूं भाई, औलाद को रोता हूं देख अब कुछ याद नहीं है, टूटा वरना क्या करता है, आ सोच क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता भी कभी इस तरह से हो, आईआईटी या मेडिकल पिता के लिए सफलता नहीं है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर तुमको लगना चाहिए कि मेरे बेटे ने काम किया है इसने पीठ पीछे मुझे धोखा नहीं दिया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम चाह के भी समय पर काम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब समय अच्छा हो तो उसको यूज करो, जिंदगी में सबके आती है। भगवान राम भी 14 साल जंगल घूमे होंगे, इस धर्म में देश में दुनिया में धर्म है, उन धर्म के जो भी संस्थापक हैं वो जो भी हैं याद करो, चाहे इस्लाम से हो चाहे ईसाई हो चाहे किसी धर्म में हो, उन सबको जब जिंदा थे तो बुराई सुनने मिली हुई है, उनके जाने के बाद कौन स्वीकार किया उनको, जैसा मुझे कुछ मेरे साथ से पता लगा हर धर्म के बड़े संत महापुरुष को हमेशा पहले गालियां पड़ती हैं, विवेकानंद जी हो चाहे आपके दयानंद सरस्वती हो चाहे कोई भी संत हो। तो दोस्तों कभी अपने आप को अपने अपने लोगों के साथ वो जरूरी आप आईटी जाए मेडिकल में जाए, मैं एक बात कहता हूं आईटी मेडिकल इट्स वन मैच ऑफ लाइफ इट्स नॉट कंप्लीट लाइफ, खेलो जीत के तो ठीक है, एक रास्ता बंद करता ईश्वर तो सेकंड रास्ते खोल देता है। तो जब बेटा रोता हुआ मिलता है राणा को तब क्या कहते हैं, पण आज पिलख तो देखूं जब राज कंवर ने रोटी ने फूलों क्षत्रिय धर्म ने भूलों हिंदवाणी चोटी ने आसोच हुई दो टूक तड़क आसोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती आसोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती आंखों में आंसू भर बोलो मुंह लिख सो अकबर ने पाती आसोच हुई तो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती आंखा में आंसू भर बोलो हूं लिख सू अकबर ने पाती। एक बात ध्यान सुन लेना, आप लोगों की हार पर आपके परिवार के लोगों पे आपके मिलने वाले आपके जानकार तंज कसने को तैयार है, ये दिमाग से कदम सीज। मैं इस पर एग्जाम्पल को फिर कोट करना चाहूंगा, मेरा एक बच्चा उमा शंकर यादव जो पीजी स्टेज पे आ चुका है, वो साफ बच्चा सिलेक्ट होने के बाद आया, उसका सिलेक्शन थर्ड डांस में हुआ बच्चे का, सिलेक्शन के बाद मेरे सीएलसी मेरे चैंबर में आया गले लग के रोने लग गया, और अमित एक बात किस बच्चे ने कि बॉस आज कई दिनों बाद दिन की बस में गांव गया हूं, मैं बात समझ नहीं पाया, कई दिनों बाद कई सालों बाद 2 साल के बाद दिन की बस में गांव गया हूं, मैं ऐसा क्या हुआ,
बहुत सबक तैयारी कर रहा था, तो पहली साल वेटिंग में था, वैसा वेटिंग में रहा हूं, दो साल वेटिंग में रहा कंटिन्यू। जब गांव के बस से उतरा तो गांव में एक चौपाल होता है जहां कुछ लोग बैठे होते हैं जिन जिंदगी में कुछ नहीं करना होता, केवल किसी और पे तंज करना होता है। मुझे कहा आओ डॉक्टर साहब, जबकि उनको पता था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो डॉक्टर साहब मेरे लिए गाली था। आज फिर रात की बस में गांव गया, आज दिन की बस में गया, तो बोस लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो जो मेरे गांव के लड़के बैठे थे, आज किसी ने कहा आओ डॉक्टर साहब, जबकि आज मैं डॉक्टर बन गया था। दोस्तों एक शेर याद है मुझे, मत दिखाओ जख्म दिल के अपने, हर आदमी अथेले पे नमक लिए घूमता है। इसलिए आपके पेरेंट्स पे तो लोग वैसे तैयार हैं, यहां पे बेटियां बैठी हैं, बेटा जी आप गांव से आए हो सकता है शहर में इसका माहौल हो, गांव में आपके पिता ने पढ़ने भेजा है, तो मान के चलना किसी ना किसी अनुरोध भी सहना पड़ा होगा कि बेटा कहां भेज रहे हो। मेरे गांव में तो कई बार गार्जियन आते हैं, माफी चाहते हो पता बात गलत सही है, कई कहते हैं छोरी को दो साल तैयारी करवा रहे हो, क्यों पैसा खराब तो शादी कर दो इसकी। ये सुनते हैं फिर वो टूटते हैं। पर आज पिलख तो देखूं जब राज कवर ने रोटी ने, भूलूं क्षत्रिय धर्म ने, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आंखा में आंसू भर बोलो, हूं लिखसू अकबर ने पाती। यहां टूटा पिता। फिर अकबर के पास पत्र जाता राणा का, यकीन नहीं हुआ अकबर को, क्योंकि वो तो अकबर का सपना पूरा हो गया। समय जो खराब हो तो वैसे बर्बाद करेगा, अच्छे समय को क्यों खराब कर रहे हो। लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब तू हारे और कब तेरे पेरेंट्स पे लोग छींटा कसी करे, साथ समाज में इसी रहते हम लोग भी। जब राणा रो संदेश गयो, जैसे राणा का पत्र पहुंचा अकबर के पास, जैसे आपका रिजल्ट आता है आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना और आप निराश होते हैं, तो पिता दो किस टूटता है, एक आपका लड़का चला देख के, एक रिश्ता सुन के, कमेंट सुन के। जब राणा रो संदेश गयो, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जब पांच पांच ने फिर बांचो। मतलब तो राणा रा संदेश गया तो अकबर का सब सपने पूरे लगे, पांच पांच पढ़ पढ़ के फिर पढ़ा, आंख खूब एक नहीं हुआ। जब राणा रो संदेश गयो, अकबर रो सपनो सो साजो, पर नैन करा विश्वास नहीं, जब पांच पांच नैन वाजो। मैं एक बात कहता हूं पीढ़ी से, कई बार मेरा खुद का बेटा भी कह देता है, मेरे सारे साहब मेरे से कहते हैं जीजाजी पापा आपकी उम्र ज्यादा होगी, नई पीढ़ी थोड़ी चेंज हो गई, थोड़ी बदल गई, हो सकता है आपकी बातें असर नहीं करती होंगी। मैं एक ही बात कहता हूं भाई साहब, पीढ़ी कुछ ही बदलो, पिता और माँ और परिवार और इज्जत की जो समाज अपने अपने फैमिली का जो रेस्पेक्ट नहीं बचा सकता, वो पहले भी बर्बाद था, आज ही बर्बाद है और कल बर्बाद होगा। परिवार के साथ रहे। मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, काश अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के साथ प्यार से रहता तो अखबार में खबर नहीं आती अनिल अंबानी कंपनियां बिकती। वो तो ठीक है, मुकेश अंबानी भलमान से आज ही बचा रहा है। डायलॉग है ना, कृष्ण इसलिए जीता बलराम साथ था, राम इसलिए जीता कि लक्ष्मण साथ था, प्रताप इसलिए हारा कि शक्ति सिंह साथ नहीं था, भाई साथ नहीं था। भाई का होना बहुत जरूरी, साथ परिवार का होना बहुत जरूरी है। तो जब राणा रा संदेश गया, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जब पांच पांच ने फिर पांचो। फिर से पड़ा जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पिता तीन बार आपकी देखते मार्कशीट देख के दोबारा दोनों फिट गए, उनको उम्मीद थी फिर भी नहीं होता है तो घबराना नहीं है। जैसे ही राणा का पत्र अकबर के पास गया, अकबर के दरबार में पिथल जी नाम के राजपूत थे बीकानेर के, तो मूछ रखते थे, मूछ अपनी आन मान शान है। अकबर कहता था उनसे कि अब ठाकुर साहब मूछ किस बात की, पूरे सब तो गुलामी हो चुकी है। पिथल जी ने कहा जिस दिन हमारा शेर राणा तेरी गुलामी स्वीकार कर लेगा, मूछ घुमा देंगे, जब तक एक शेर घूम रहा है ये पिथल की मूछ ऊपर रहेंगी। तो जैसे राणा का पत्र गया, लोग चार बैठे हैं, जैसे पिथल की बेइज्जती करने के लिए अकबर ने दरबार में बुलाया, पीतल वहां काम करते थे, तो पीतल की इंसल्ट करने के लिए अकबर ने बुलाया, लोग भी तैयार बैठे हैं। 3 मई की शाम और 17 मई की शाम रिजल्ट ना आए,
तो लोग भी कमेंट मारे अपने मानों पे, राणा रा आखर पढ़ता ही अकबर रो सपनो सो साचो, पर नेर करया विश्वास नहीं जद पांच पांच ने फिर बाजो। बस दूत इशारा पा भागा, बस दूत इशारा पा भागा, पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणा रो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावण ने। यह आपका पीथल आपके सामने खड़ा है। बस दूत इशारा पा भागा, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, पीथल जी को बुलाने के लिए किरणा को पीथल आपू गयो, अकबर को भरम मिटावण ने। और दोस्तों बस दूत इशारा पा भागा, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणा रो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावण ने। पीथल जी आए आतेरे बेग मारा अकबर ने, दा सुनना हूं आज बादशाह धरती रो, हूं आज बादशाह धरती रो। उसके पहले तो तंज मारा था, पीथल ने कहा था कि एक शेर अभी तेरी गुलामी में नहीं आया है। तो अकबर पीथल को कहते हैं मेह बांध लियो, मेरे साथ से इससे पड़ी किसी आदमी की इंसल्ट नहीं होती है। पर अभी ने कहा ना हर परिस्थिति के अंदर आदमी को लड़ना चाहिए। पत्र जाता है राणा का, अभी महाराणा नहीं बने हैं वो। और मैं तो कहता हूं पीथल ना होते तो राणा कल महाराणा नहीं बनते। 14 साल भगवान राम जंगल ना घूमते तो राम से राम नहीं बनते हो कभी। मतलब ही नहीं है, जो तपेगा वो ही सोना आभूषण बनेगा। मेह बांध लियो, मेह बांध लियो है पीथल सुने, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। शेर जंगल क्या होता भाई, सर्कस में कहे वैसे। मेह बांध की अखड़ी थी उसकी, जो अखड़ी शायद हमारी असफलता पे हमारे वो लोग करेंगे तो पिता चिढ़ते हमारे से। मेह बांध लियो है पीथल सुने, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथ रो कागज है तू किया फिर सी किया अकड़। मेह बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़। वो हाथ को कागज, अब पता तेरे पास क्या प्रमाण है, अब तू कौन सी मुंह चुप रखेगा तेरी। एक बात ध्यान सुनना बेटा, आईटी हो ना हो, मेडिकल ना हो, समाज में आपके पिता हैगड़ी से कैसे में आपका, आप उसके बेटे हैं वो आपके पिता हैं। और जिंदगी में सफलता की परिभाषा मैं बता दूं क्या है, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं। जिंदगी में सफलता की परिभाषा यह कि आज के कुछ साल बाद जब आप 30 पे 25 पार कर जाओ तो तुम्हारी अब्सेंस में तुम्हारी प्रेजेंस लगेगी। बात को समझ, जिस व्यक्ति की अब्सेंस में प्रेजेंस लगती है वो सफल है। कैसे, आपके घर में शादी है, आपके घर में एक व्यक्ति आईपीएस अफसर है, पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, वो अफसर नहीं आता है। हर आने वाला मेहमान पूछता, बुआ पूछती, मौसी पूछती है वो अफसर कैसे नहीं आया। इसको बोलते हैं अब्सेंस में प्रेजेंस। और बाकी बेचारे वही 3 दिन से काम कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता। सफलता ये एकड़ी नहीं है भाई, माफ चाहता हूं, ये एकड़ी नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये सफल अब्सेंस में प्रेजेंस है। कि मेह बांध लियो है पीथल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथ रो कागज है अब देखा फिर सी कया अकड़। और फिर अखड़ी से कहता है हूं आज बादशाह धरती रो, ये पर अखड़ी थी, हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब और पता मन और कट है, रजपूती खून रगा में है। राजा कौन थे, पड़े राजपूत होते थे, अब और बता मन और कट है, रजपूती खून रगा, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। ये पुत्र के रोने से एक पिता की इंसल्ट हो रही थी। उस शुक्र मानो उस खुदा का, ईश्वर का भैर है कि पीथल जी थे। यदि पीथल ना होते अकबर के दरबार में तो आज ये महाराणा प्रताप फोटो जब नहीं होता, ये फोटो यहां नहीं होता। क्यों भाई, या तो जयपुर के राजा फोटो होना चाहिए था ना, राजा तो यहां बैठते। हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है,
और बतावन और कथा रजपूती खून रगा में है। तो फिर मिथल जी जद पीथल का गजले देखी, जद पीथल का गजले देखी, राणारी सागी सेनानी नीचे से उठरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। पीथल ने जैसे राणा का राज दरबार की मोहर देखी, लेटर देखा पीथल जी के एक बार जमीन खिसकी नीचे से। जब पीथल पाथी ले देखी, राणारी सागी सहनानी नीचे से उठरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। लेकिन दोस्तों आप उनके सामने रो नहीं सकते ना, पीथल रोए पर के सामने तो पीथल हार जाते। पर फेर कहीं जब पीथल पाथी ले देखी, राणारी सागी सेनानी नीचे से उधरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। पर फेर कहीं तत्काल सबल, पर फेर कहीं तत्काल सबल, आपात सपाई छूटी है, राणारी आन सदा ऊंची, राणारी शान अटूटी है। पितर का नहीं सब टूटे। पीतल पाथी ने देखी, राणारी सागी सेनानी नीचे से धरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। पर फिर कहीं तत्काल सबल, आपात सपाही झूठी है, राणारी आन सदा ऊंची, आप तो सिलेक्ट नहीं होंगे। लोग कमेंट पता क्या बनेंगे, हमें तो पहले पता था आपका छोरा छोरी फालतू है, ये टिंगर को कहां भेजा आपने। पिता कहते नहीं यार फालतू तो नहीं है, हो सकता है पेपर टफ आ गया होगा, हो सकता है 17 लाख लोग बैठते हैं, सेक्शन बच्चों का होना है, हो सकता है कुछ और दो बच्चे मेरे 25 ज्यादा पढ़ गए होंगे, कमजोर मेरा बच्चा भी नहीं है, हो सकता कुछ कदम दूर रह गया होगा। वो फिर तसली देंगे। फिर पीथल तो भैया अकबर के दरबार नौकरी करते थे, तो उनको अकबर की परमिशन चाहिए थी। अब यहां से राणा महाराणा प्रताप बनते हैं, रोल किसका है, पीथल का। बस मैं तो आपके पिता और पुत्र के बीच एक पीथल का काम करने आया हूं आज। क्या करते हैं फिर, जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू, राणा ने कागज रे खातिर। पीथल जी कहते हैं पर से आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लू इस पत्र के बारे में इसकी सच्चाई कितनी है। जो हुक्म हो ये तो लिख भेजू, राणा ने कागज रे खातिर। अकबर कहता है तू पूछ भलाई पीथल तू, आपात सही बोलो अकबर। अकबर पूछ ले भाई हमें क्या दिक्कत है, बात तो सही है। अब यहां से इस कविता का सीन चेंज होता है। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, बेटा रोता है, पिता टूट जाता है, अकबर को पत्र लिख देता है, गुलामी स्वीकारी की बात हो जाती है, पीथल ना होते तो राणा महाराणा नहीं बनते, तो पीथल जी पत्र लिखते हैं। इससे सेमिनार, इससे मोटिवेशन, ये होता मोटिवेशन, ये होता गाइडलाइन। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ लारे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज लो, बादल री कोटा खोवे लो। पितर कहते हैं हमने सुना है कि एक शेर गिद्ध के साथ रहेगा, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ लारे सागे सोवे लो। पितर कहते हैं सुना मेरी यार, जब तेरे पिता से को कहता कि तेरा बच्चा नालायक है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो पिता कुछ काम करे यार, क्या सच है क्या ये। तो जो जवाब पीथल ने राणा से दिया, राणा ने पीथल से दिया, वो जवाब 3 मई और 17 मई को देना है, जिंदगी के बाहर हर मुकाम पे देना है। जैसा मित्र का एग्जाम्स हमेशा होती रहती है। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ ला सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज डो, बादल री ओटा खोवे लो। हमने सुना कि एक शेर किधर के साथ होएगा, हमने सुना कि सूरज को बादल का एक टुकड़ा ढकलेगा, नहीं। मैं आज सुनी है सिंहड़ दो का तकदी सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज डो, बादल री ओटा खोवे लो। ये पिता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये पत्र जाता है राणा के पास, इस हॉल के बाद
एक कोई एक लड़का, कोई एक मेरा बेटा बेटी इस मुट्ठी को बंद कर गया तो मैं मानता हूं कि मेरा एक दिन, मेरा 9 दिसंबर 2019 सफल था। पीठल रहा आखर पड़ता ही राणारी आंखा लाल हुई, लिखा पीठल ने, तो जैसे पत्र पहुंचा राणा के पास, पीठल रहा आखर पड़ता ही राणारी आंखा लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूं ना हररी एक ललकार हुई। दोस्तों कोई आपको यह कह दे कि तेरे टेस्ट नंबर नहीं आ सकते, कोई ये कह दे तू सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुझे कोई ये कह दे तू आईटी दिल्ली या एम्स या दिल्ली या एसएमएस या लेडी हार्डिंग तो अच्छा कॉलेज नहीं ले सकता और तुझे भी नींद आ जाए तो भाई कितना किताब जमीन खत्म हो चुका हमारा। पीठल रहा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूं ना हररी एक ललकार हुई, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। आपको कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, उसके बाद दोस्तों आप चैन की नींद सोते हैं, माफी चाहता हूं फिर आप मेरे टेस्ट के व्यक्ति नहीं है। क्या कहा पीठल ने कि मैं आज सुनी है सी हड़ जो गादल जा सागे सो वेलो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल नहीं और क्या खो वालो, हमने सुना है कि एक शेर साथ रह के दुड़के, हमने सुना है कि एक बादल का टुकड़ा सूरज को ढकलेगा, क्या संभव है? ना क्या संभव है? ये संभव नहीं है। तो मेरे बच्चों दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस केवल इस हिस्से में एक आग भरनी होती है। एक बहुत अच्छा शेर है कि रगों में दौड़ने फिरने का कायल नहीं मैं, रगों में दौड़ने फिरने का कायल नहीं मैं, जो आंख से ना टपका धो किस काम का। तो पीठल जी के उस पत्र के बाद पीठल रहा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूं ना हररी एक ललकार हुई, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं। यानी चाहे मुझे तपस्या कितनी करनी पड़े, देर थक के सोना है। ए लड़के लड़की, हवाई जहाज सबसे ज्यादा सेफ कब होता है? एयरपोर्ट पे होता है। हवाई जहाज सबसे ज्यादा सेफ एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन हवाई जहाज इससे नहीं बनता है कि एयरपोर्ट पे खड़ा रहे, रिस्क लेनी होगी, उड़ानें भरनी होगी। बंदरगाह पे खड़ा हुआ जहाज बहुत सेफ है, जिंदगी में सेफ जोन चुनिए भैया। सेफ जोन में केवल पेट पाल सकता आदमी, वो भी बहुत मुश्किल से। आपको सेफ जोन से बाहर आना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको थक्के सोना होगा। हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। और फिर एक लाइन वापस लिखते हैं राणा, जिससे वो महाराणा बने। नहीं चढ़ी रे गातड़ी कोख असी, नहीं चढ़ी रे गातड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली, नहीं बनो रे पातली रो टुकड़ो सूरज ने ओ टाले ले लो, नहीं चढ़ी रे कादड़ी को खसी जो सिहरी था पी झेले ली। कितने ने ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो शेर का थप्पड़ झेल जाए। यदि बात आपके पिता किसी और से कहते हैं इसका मतलब तो विश्वास है कि मैंने एक योग की सत्ता पैदा की है। नहीं चढ़ी रे कादड़ी को खसी तो सिहरी था पी झेले ली, नहीं पड़ो रे बादली लो टुकड़ो तो सूरज ने ओटा ले ले लो। ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है बादल का जो तो सूरज को ढक सकता है। ये वापस पत्र गया कि नहीं चढ़ी रे गातड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली, नहीं पड़ो रे बादली लो टुकड़ो सूरज ने ओटा ले ले लो। और जैसे पत्र वापस गया
ये बात मैं करता हूं बाई चांस, कई बार हमारा सिलेक्शन एक साल नहीं हो, कोई बात नहीं, एक साल फिर इंतजार करेंगे, उस पर रिजल्ट आएगा। तो वापस पत्र गया, राणा रा आखर पढ़ना ही पीथल री छाती दूनी ही। जैसे पत्र गया, जिस पत्र की बेइज्जती हो रही थी, राणा रा आखर पढ़ता ही पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणी सूरज चमक है अकबर री दुनिया सुनी ही, हरे घासरी रोटी ही जदे बन पिलावड़ो ले भाजो, नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो, हरे घासरी रोटी ही। दोस्तों